हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल्ड और फ्लू के लिए जो बच्चों को हो जाता है उसके लिए कुछ होम रेमेडीज़। दवाइयाँ जो हैं मैं रिकमेंड नहीं करती और दवाइयाँ ज़्यादा बच्चों को देनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी जो है अडेप्ट हो जाती है दवाइयों के लिए और फिर उन दवाइयों का असर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जितना हो सके बच्चों को होम रेमेडीज से ही सही करना चाहिए। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ। अभी थोड़े दिन पहले जैसे बहुत गर्मी है तो हम लोग एसी चलाते हैं तो टेम्परेचर वैसे तो हम 26 से 28 के बीच में ही रखते हैं, पर अभी थोड़े दिन पहले ईवान को जो है कोल्ड हो गया। पता नहीं उसको एसी की ज़्यादा हवा लग गई या रात को उसने कंबल हटा दिया, क्या हुआ, लेकिन उसे कोल्ड हो गया। तो मैंने कुछ होम रेमेडीज ट्राई की जो मैंने अपनी रिसर्च के बेस पे निकाली और बाकी कुछ मेरी मदर इन लॉ ने बताई, कुछ मेरी मम्मी ने बताई, तो यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कोल्ड होता कैसे है, कोल्ड होता है या इन्फेक्शन होता है वायरस की वजह से। अब 6 महीने से कम के बच्चों को आप कोई दवाई बिल्कुल भी नहीं दे सकते। 6 महीने से ऊपर वाले बच्चों को भी जितना हो सके हमें होम रेमेडीज से सही करना चाहिए। लेकिन ये जो होम रेमेडीज मैं बताने वाली हूँ, अगर आपके बेबी को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन इससे दिखे तो वहीं पे स्टॉप कर दें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। आप बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कोल्ड के, कैसे पता चला कि बच्चे को कोल्ड है। एक तो उसकी नाक बह जा रही है या फिर एकदम से उसकी भूख जो है वो बहुत कम हो गई है, बच्चा बहुत रेस्टलेस हो गया है, हल्की सी खांसी है, गले में खिचखिच है या फिर उसकी नोज़ जो है वो ब्लॉक है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो इसका मतलब है कि बेबी को ठंड लग गई है। अगर इन सिम्टम्स में से आपको कुछ भी दिख रहा है तो आपको कुछ होम रेमेडीज ट्राई करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसको ब्रेस्ट मिल्क पिलाइए, जितना हो सके उसको ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट मिल्क को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक बेबी की बॉडी को चाहिए। तो सबसे पहले होम रेमेडी तो यही है कि जितना हो सके उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। दूसरा है गार्लिक और अजवाइन का पाउच। लहसुन की 2 कली लीजिए, 1 टीस्पून लीजिए अजवाइन, इसको अच्छे से रोस्ट करके एक कपड़े में बांध दीजिए और वो थोड़े से बच्चे से दूर रखिए, बस ऐसे डिस्टेंस पे रखिए जहाँ से उसकी स्मेल जो है उसको आती रहे। उससे क्या है उसको कोल्ड में आराम मिलेगा, उसकी नोज जो ब्लॉक है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है, आपको इतनी पास नहीं रखना उस पाउच को कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को चोकिंग हो जाए या वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए। तीसरी होम रेमेडी जो बहुत फेमस है, आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज भी मिल जाएंगे इस टॉपिक पे, अजवाइन लीजिए और उसमें लीजिए गार्लिक और उसको अच्छे से भून के उसमें मिलाइए और उसके बाद उसको उसके चेस्ट पे, पैरों के तलवों पे, वहाँ पे लगाइए और ढक के सुला दीजिए बच्चों को। इससे बच्चे का जो कफ होता है वो भी पिघलना शुरू हो जाता है और उसको आराम से नींद आएगी, उसकी कोल्ड भी काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। नेक्स्ट होम रेमेडी है केसर का तिलक। केसर जो है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर को बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है। केसर का पेस्ट बनाइए, उसको तलवों पे लगा दीजिए, सोल पे लगा दीजिए बेबी के और एक टीका लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन शो हो इस होम रेमेडी से, इसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए और अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए। नेक्स्ट है ड्राई रोस्टेड टर्मरिक। आप हल्दी लीजिए, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए क्योंकि हल्दी में जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसको बच्चे की नाक की सीध में लगा दीजिए इस वाले पोर्शन में। उससे क्या है उसकी नाक खुलेगी, उसको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी भी होम रेमेडी से आपको कोई भी रिएक्शन शो करता है तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर देना। उसके बाद है गाजर का जूस। गाजर के जूस में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बच्चे की कफ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो उसको हल्का सा निवाया, हल्का सा वार्म करके और बच्चे को पिला दीजिए, उससे भी काफ़ी उसको कोल्ड में राहत मिलेगी। नेक्स्ट है स्टीम। एक कमरे में आप स्टीमर ऑन कर दीजिए, थोड़ी देर बाद जब स्टीम जनरेट हो जाए बच्चों को वहाँ पे थोड़ा सा घुमा लीजिए, उससे क्या है उसकी नाक खुलेगी। एक आती है सेलाइन ड्रॉप्स जो हर डॉक्टर रिकमेंड करता है मोस्टली, उसको आप अगर नाक में बच्चे के डाल देंगे तो वो भी उससे उसकी नाक खुल जाती है और उसको आराम मिलता है। नेक्स्ट है अगर बच्चे को कोल्ड है या कफ है तो उसका सिर थोड़ा ऊपर रखिए, उसको पिलो पे सुला दीजिए, उससे क्या है उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, उसको आसानी से सांस आ जाएगी। अब मैं बताऊँगी कुछ जनरल प्रिकॉशंस जो आपको लेने की ज़रूरत है अगर आप बच्चे को कोल्ड या कफ है तो। ये जितनी भी होम रेमेडीज़ मैंने बताई हैं ये 6 महीने से कम के बच्चे पे बिल्कुल भी अप्लाई करना करें। 6 महीने से कम का अगर बच्चा है तो उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी है और कुछ नहीं कराना। शहद 1 साल से बच्चा ऊपर हो जाता है तभी यूज़ करना चाहिए, उससे पहले किसी भी होम रेमेडी में शहद ना यूज़ करें। स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा जितना सोएगा उतना बढ़ेगा, उतना उसको बीमारी से निजात मिलेगा, तो उसका सोने पर ध्यान दीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप ले, अनइंटरप्टेड स्लीप ले। बेबी को ज़बरदस्ती खाना मत खिलाइए क्योंकि कोल्ड में ऐसा होता है कि कई बार बच्चे को भूख बिल्कुल ही चली जाती है, अगर आप उसको फोर्स फीड करेंगे, ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए। अगर उसको नहीं खाना है तो लेट इट भी, कोई बात नहीं, नहीं खाएगा, उसको दूध वूध पिला के उसका पेट भर दीजिए। उसके बाद है अपने हाथ अच्छे से क्लीन करिए बच्चे को टच करने से पहले, और बेबी के भी हाथ बार बार आप धुलवाइए क्योंकि इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा गंदे हाथों से ही फैलता है। उसके बाद वार्म फ्लूइड्स दीजिए, गर्म गर्म पानी हल्का सा पिला दीजिए अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है,
या फिर जो भी आपको चीज़ देनी है गर्म फॉर्म में दीजिए, जो भी खिलाएं उससे क्या है उसका म्यूकस जो है वो बाहर निकलेगा। अब कुछ ऐसी बातें जो हमारे हाथ में नहीं है और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक डॉक्टर की। सबसे पहले तो अगर बच्चे को फीवर है और वो भी 101 से ऊपर है, उसके जो रनी नोज़ है उससे बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस निकल रहा है और उसका कलर भी येलोइश ग्रीनिश इस तरीके का है, तो उसके गले में बहुत ज़्यादा खारिश है, या फिर वो बिल्कुल ही नहीं खा रहा है, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बच्चा बहुत रेस्टलेस है, तो इन केसेस में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो रोए जा रहा है चुप ही नहीं हो रहा है, तो बस कुछ आपके पास इलाज नहीं है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर उस सिचुएशन को एसेस करेगा और वो देखेगा कि अब आगे क्या करना है। तो आई होप ये होम रेमेडीज आपको पसंद आई होंगी। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन है उसको प्रेस करना, उससे मेरी सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाएंगी, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। और मैं मिलती हूँ आपसे आने वाली वीडियोस में। बाय।